सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आपकी दिवाली बहुत बढ़िया, खूबसूरत और रोशनीदायक गई होगी। आप लोगों ने जरूर मिठाई की जगह मिठास भी बांटी होगी, दियों की तरह जलना सीखा होगा, और कहीं ना कहीं आपने रंगोली को देखते हुए अपने जीवन को भी बहुत कलरफुल और रंगीन करने की कोशिश की होगी। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं साहिल मित्तल, डॉक्टर वोकेब, आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जितना भी फेस्टिव सीजन था वो सारा का सारा जा चुका है, और अब आपको लग जाना अपनी पढ़ाई से उस कन्विक्शन के साथ कि न केवल आपका सिलेक्शन हो बल्कि एक अच्छी रैंक भी आए। आप देख पा रहे होंगे जो सीजीएल टीयर टू मेंस के सैकड़ों विद्यार्थियों के लगातार मैसेज आ रहे हैं। अभी तो पूरी स्क्रीनिंग भी हमारी पूरी टीम की तरफ से खत्म नहीं हो पाई है, क्योंकि टीम पूरी की पूरी फेस्टिव सीजन में ऑफ पर थी। तो इसी तौर पर आपने सबसे ज्यादा जो चीज देखनी है वो यही है कि उन लोगों से इंस्पायर होकर पेपर के ट्रेंड को एनालिसिस करते हुए जो भी आपको टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, एसएससी ट्यूब की पूरी एकेडमिक टीम, पूरी की पूरी आपकी कंटेंट टीम और टेक्निकल टीम के कोलेबोरेशन के बीच हम इस बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा अब से इंग्लिश स्पेशल। इंग्लिश इसलिए क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, और स्पेशल इसलिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, और इसी का नाम होगा इंग्लिश स्पेशल। सो क्या आज की क्लास के लिए सभी लोग तैयार हैं? सभी को मेरा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राम राम, प्रणाम, गुड आफ्टरनून सभी को मेरी तरफ से। बच्चे कह रहे हैं सर आज तो सरकारी वकील लग रहे हो। भाई साहब मैं व्हाइट शर्ट में थोड़ी ना बेटा। चलिए तो सबसे पहली बात, जितने भी स्टूडेंट आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि इंग्लिश स्पेशल के नाम पर अगर हम इस चीज को डिनोट करते हैं तो इस चीज के लिए सबसे पहली बात, आपके पास पूरे के पूरे आवर्स के तौर पर 120 आवर्स, 120 आवर्स का एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको इस बैच के अंदर, जिसमें प्री प्लस मेंस लेवल पूरा का पूरा डिक्टेट कराया जाएगा इंग्लिश का, और साथ ही में बहुत सारे मॉक टेस्ट, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट और बहुत सारे आपके पास सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। और दूसरी तीसरी सबसे बड़ी बात है, इस बैच के अंदर आपको वोकैब के लिए कोई डेट डिसाइड नहीं होगी कि किस दिन होंगे और किस दिन नहीं होंगे। इस दिन हम एक साथ चीजें करेंगे और एक साथ पढ़ने वाले होंगे। ओसामा खान मेरे साथ है, वेद प्रकाश, शिवम राजन सर, क्या ये कोर्स में इंक्लूडेड है? ये सारी चीज कोर्स में आपके साथ इंक्लूडेड है, ठीक है? अब इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत जो आजकल बच्चों को आती है, वो बड़ी प्रॉब्लम ग्रामर जो होती है वो ठीक है, बट इसके फिक्स रूल होते हैं और जिसको हम बराबर देखते जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय है वोकेबलरी, और वोकेबलरी के तौर पर आजकल कॉन्टेक्चुअल वोकेबलरी की जरूरत होती है, जिसकी डिमांड आजकल आपके फीलर्स के अंदर, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर या क्लोज टेस्ट के अंदर बनती जाती है। और इसी के तरीके से आज जो लॉन्ग लेंथ ही आपके पास बनती जा रही है, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत बड़े और जटिल होते जा रहे हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी करना हमने अपनी तरफ से जरूरी है। सो आप में से कितने स्टूडेंट तैयार हैं अब पढ़ने के लिए और बात करने के लिए? आज की क्लास के लिए मैं बिल्कुल नहीं आपको पढ़ाने से शुरू करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आज आपकी क्लास शुरू होगी तो उस प्रैक्टिस के साथ शुरू होगी कि व्हाट कम्स इन योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है, क्या किया जाता है, उन तरीकों से हम चीजों को शुरू करने वाले होंगे। आइए मेरे साथ बढ़िए इंग्लिश स्पेशल के इस बैच के साथ। सबसे पहली बात, ग्रामर, वोकेबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी पार्ट आप पढ़ने वाले हैं उसके अंदर आप देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अभी एक बच्चे ने लिखा अभी मेरे पास कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आजकल बहुत बड़े हो गए हैं, उनको पढ़ने के लिए स्पीड कैसे करें? आपकी स्पीड तो है, आपकी स्पीड दो कारण से नहीं है। सबसे पहले तो आपको लंबे सेंटेंसेस को पढ़ने की आदत नहीं है, और अगर सेंटेंस लंबा नहीं है, लेंथी नहीं है, शॉर्ट भी है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा फ्रेज, एक ऐसा पैराफ्रेज, एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट डेराइव हो जाता है जहां से आप भूल जाते हैं कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होने वाला है। इसका मतलब वो वर्बल या लेक्सिकोग्राफी जो है वो भी इसके लिए आपको नुकसान करने की कोशिश
कोशिश करती है। अगर मैंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक्सिकोग्राफी, सो लैक्सिकोग्राफी शब्द स्पेलिंग है इसकी LEXIOCO, LEXICOZRAPHY, लैक्सिकोग्राफी। लैक्सिकोग्राफी शब्द लेक्सिकन से बना है और लेक्सिकन का मतलब होता है वर्ड यानी शब्द, और शब्दों को संयोजन करने की जो एक प्रक्रिया होता है, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द वर्ड्स टुगेदर इज नोन एज लेक्सिकोग्राफी, इसको हम लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। आज ये जितने भी हमारे पास, हम जितना भी पढ़ रहे थे, स्टार्ट अफ्रेश के सेंस में मैं बात कर रहा हूं कि जब जागे तभी सवेरा, आप लोगों को आज और आज के बाद से बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई करनी शुरू कर देनी है। और इसी के साथ हम बैच की शुरुआत कर रहे हैं, इंग्लिश स्पेशल बैच की, और प्रैक्टिस के साथ एक बार बैच शुरू कर रहे हैं मुझे, ताकि आपके रिव्यूज से पता चले कि मुझे कहाँ कहाँ पर काम करना जरूरी है। संदीप कुमार, शिवम, मोहम्मद मोहसिन, अतुल शर्मा, शिवम राजन, निशु और रितिका, सारे लोग ध्यान दीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, और इडियम आपके पास दिया हुआ है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और ये इडियम ना केवल आपके लिए क्वेश्चन का काम करेगा, बल्कि आपको पता होना चाहिए ये मेंस एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो आपको बिल्कुल तरीके से चीजों को पढ़ते हुए याद रखना है कि किस तरीके से आपके पास सारी चीजें आती है। राइट आंसर क्या आ रहा है, फटाफट मुझे ऑप्शन नंबर लिखकर बताइए, मैं आपके सबके आंसर्स देख रहा हूं। सबसे पहले बच्चे, टेक अप अ टास्क दैट यू कैन नॉट फिनिश, जिस काम को आप खत्म नहीं कर सकते उस काम को हाथ में लेना। व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से, जो आप कहते हो उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या आप करते हो। डू समथिंग विदाउट प्लानिंग, बिना योजना के कोई काम करना। और डी ऑप्शन है लुक फॉर सोल्यूशंस इन द रॉन्ग प्लेस, गलत जगह पर किसी हल को, किसी सोल्यूशन को ढूंढना या देखने के तौर पर यूज करते हैं। तो यहां पर मेरे साथ निशांत जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा गलत आंसर बता पा रहे हैं। ठीक कीजिए, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर मैं केवल बातें करता रह जाऊं और प्रैक्टिस के क्वेश्चन पहले दिन से ना कराऊं, तो लास्ट में आप कहोगे सर बोलते ज्यादा हो करते कम हो। इसका मतलब यही चीज, यही कोशिश मेरी आपके साथ भी तो रहने वाली है कि बच्चों बातें कम करनी है, काम ज्यादा करना है। हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जितने भी अग्रणी नेता हुए, जितने भी बिजनेस टाइकून्स हुए, उन सबका एक ही मंत्र होता है, और वो मंत्र है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से, एंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो भी यहां पर राइट आंसर बी दिए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ब्लेसिंग्स। चलिए, कितने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं, जितने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है वाई लिखिएगा, और जितने लोग तैयार नहीं है चाह रहे हैं कि सर हमें तो ये सब पढ़ना ही नहीं है क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि हम इंस्पेक्टर बने, तो प्लीज अगले क्वेश्चन की डिमांड मत कीजिएगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द क्रॉप वॉज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इनएडिक्वेट रेनफॉल। और यहां पर आपको करना है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है सेंटेंस को, और ये यानी कि चैप्टर बना आपका वॉइस का। इसका मतलब आपको प्रीलिम्स का सिलेबस पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स के अंदर आपके पास वोकैब कितने की आ रही है, ग्रामर कितने की आ रही है, और आपके पास कॉम्प्रिहेंशन कितने मार्क्स का आ रहा है। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपके पास चार चीजें आती हैं, चार PQRS, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और फीलर्स। ग्रामर के अंदर आपके स्पॉटिंग एरर आते हैं दो क्वेश्चन प्री में, और आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं दो क्वेश्चन, और यहीं पर आपका एक एक क्वेश्चन आता है एक्टिव पैसिव वॉइस का और नरेशन का। और वोकैब में दो सिनोनिम, टू एंटोनिम, टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टू इडियम फ्रेज और टू स्पेलिंग एरर आते हैं, स्पेलिंग एरर। और यहां पर आपके पास कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट में से कोई एक चीज आती है प्री में, PQRS के दो क्वेश्चन आते हैं और फीलर के भी दो क्वेश्चन आते हैं,
और ये आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है। और इस हिसाब से तैयारी करके चले तो आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क आपको कंप्लीट और क्लियर करके फर्स्ट डे से चलना है, जिससे आप लोग पहले दिन से ये तैयार हो सके कि आपका राइट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया, शानदार जवाब दे दिया बच्चों ने, सी इज द राइट आंसर। अब सबसे पहले देखो यहां पर वॉज एडवर्सली अफेक्टेड लिखा हुआ है। अब यहां पर केवल ये देखो वॉज लिखा है, यानी पैसिव वॉइस पास्ट टेंस में है, तो एक्टिव वॉइस भी कौन से टेंस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। ये देखो हैज क्या होता है? पास्ट टेंस नहीं होता। वाज का पैसिव वॉइस वॉज में नहीं बनेगा, तो सेकेंड फॉर्म कहां बनी हुई है? द इनएडिक्वेट रेनफॉल एडवर्सली अफेक्टेड द क्रॉप, या इनएडिक्वेट क्रॉप एडवर्सली अफेक्टेड द रेनफॉल। यहां पर कौन चीज कर रही है? रेनफॉल क्रॉप को प्रभावित कर रही है, तो पहले रेनफॉल आएगा बाद में क्रॉप आएगा, तो ये क्रॉप शब्द पहले नहीं आएगा, तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, जितने लोगों ने सी राइट आंसर बताया है वो बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। शाबाश शेरों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहां पर आपको अगला क्वेश्चन का दर्शन मैं करा दूं। मुझे भी नहीं पता आखिर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कंटेंट टीम आपके लिए लगातार काम कर रही है। और ये रहा आपके लिए अगला वर्ड, है एंटोनिम निकालना है पार्डन का, मर्सी, पनिश, काइंडनेस या ग्रेस के तौर पर इसका सिनोनिम या एंटोनिम क्या बनने वाला है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या स्पीड है। और ध्यान देना, 2018 के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, इवनिंग शिफ्ट के अंदर ये वाला क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कई बार पेपर में इतने आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, बस बच्चा ये नहीं पढ़ पाता कि एंटोनिम पूछा है या सिनोनिम। तो बस इतना जरूर पढ़ लीजिएगा कि पूछा क्या गया है यहां पर, एंटोनिम, तो गलत जवाब नहीं देना है। बच्चा सोचता है पार्डन का मतलब माफ करना, माफ का मतलब माफ करना, मर्सी दिखाना, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि कुछ बच्चों ने, अतुल शर्मा समेत कई सारे बच्चों ने, ऐसी मोहम्मद मोहसिन ने भी ऐसी चीज कर दी है, ना बेटा ना, ऐसा नहीं करना आपने। पार्डन का मतलब होता है माफ करना। पार्डन का मतलब क्या होता है? माफ करना। और इसको इंटरजेक्शन के तौर पर भी यूज किया जाता है। एक बहुत ही फॉर्मल मीटिंग अगर चल रही है और वहां पर आपको कोई अर्जेंट मीटिंग के दौरान एक कोई अर्जेंट घर से कॉल आ जाए, आपको छींक आ जाए, आपको खांसी आ जाए, या आपकी तबीयत खराब हो जाए, या आप बोलते बोलते किसी के बीच में बोल पड़ो, इंटरप्ट कर दो किसी पब्लिक स्पीकर को, तो आप माफी मांगने के लहजे में कहते पार्डन प्लीज। है क्यों बोले? ही इवेंचुअली पार्डन्ड हिज सिस्टर आफ्टर ही अपोलोजाइज्ड। उसने जैसे ही माफी मांगी उसकी सिस्टर ने, तो उसने उसको पार्डन कर दिया। तो पार्डन का मतलब है माफी मांगना, और माफी मांगने का एंटोनिम उल्टा हो जाएगा पनिश। अब इसके ऊपर सबसे पहले बात सुन लेंगे पार्डन को। पार्डन इजी वर्ड है, पार्डन शब्द नाउन, वर्ब और एक्सक्लामेशन तीनों में यूज होता है। पार्डन शब्द का वर्ब के तौर पे मतलब होता है फॉरगिव और एक्सक्यूज। पार्डन शब्द का अपना मीनिंग होता है फॉरगिव और एक्सक्यूज। किसी पर्सन को माफ करने के लिए फॉरगिव या एक्सक्यूज को डाला जाता है। और इसी के तौर पर अगर आप इसका सिनोनिम निकालना चाहो तो हैव मर्सी ऑन, हैव
मर्सी ऑन लिखेंगे, क्योंकि केवल मर्सी जो शब्द है वो नाउन है और पार्डन शब्द वर्ब है, और वर्ब को हमेशा वर्ब से मैच करेंगे, और इसके ऊपर भी हम एक जरूर आपका सेशन लेंगे। या इसी को बोलते हैं बी डील लीनियंटली विद, टू डील लीनियंटली विद, टू डील लीनियंटली विद, किसी पर्सन के साथ डील करना कैसे, लीनियंट तरीके से, इजी वे में। एक्सक्यूज के अलावा इसी के अंदर एक शब्द बनता है एब्जोल्व। एब्जोल्व शब्द का मतलब होता है किसी पर्सन को दोष मुक्त करते हुए माफ कर देना, अब तेरा मामला सॉल्व, अब तू घर जा, इसको बोलते हैं एब्जोल्व। और इसी के साथ इसी के अंदर एक शब्द आता है, जब हम किसी की गलतियों को नजरअंदाज करने लगते हैं, माफ कर देते, तो वीक सिनोनिम के तौर पर मैं बता रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग, वीक सिनोनिम के तौर पर ओवरलुक भी दिया जा सकता है। अगर आप इसी के तौर पे कहें कि पनिश के अलावा इसके अंदर अगर ब्लेम शब्द भी लिखा मिलता तो वो भी इसका एंटोनिम हो जाता। तो पनिश हो या ब्लेम हो, ये सारे के सारे चीज, या इसके अंदर एक और वर्ड लिख देते हैं चार्ज। क्या लिख देते हैं? चार्ज, किसी के ऊपर दोष लगाने को बोल देते हैं, चार्ज के सेंस में भी लिख दिया जाता है। अब मेरी सारे स्टूडेंट से बहुत ही, सूरज कुमार शर्मा की एक क्यूरी है, एक बार उसको सॉल्व कर लेंगे, टेक्निकल टीम प्लीज। सूरज, दे विल रेस्पॉन्ड यू इन अ वाइल, ओके। सो यहां पर काइंडनेस नहीं आएगा क्योंकि वर्ब है, नेस से वर्ड बनने वाले वर्ड नाउन बनते हैं, और ग्रेस वर्ड भी अपने आप में नाउन बनता है। थैंक यू सर। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जितने भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं और बच्चों के साथ बच्चों के प्रोफेसर्स भी जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। अभी लगवाते हैं भाई साहब पहले। अच्छा, इसी वर्ड के लिए एक और बहुत फैंटेस्टिक वर्ड होता है कॉन्डन। क्या वर्ड है? कॉन्डन। क्या वर्ड है? कॉन्डन। ठीक है। यहां पर इस वर्ड के साथ एक बार सारे बच्चे लिख देंगे। सर, वेयर विल वी गेट द पीडीएफ? पीडीएफ जो है, जैसे ही आप बैच को परचेज करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर एक स्टडी मटेरियल का कॉलम आता है, जस्ट क्लिक कीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट के नाम आएंगे, क्लिक करते जाइए, पीडीएफ को निकालते जाइए, और हो गया आपका काम। अच्छा, आप ये सारे वर्ड एक बार लिख के दिखाइए फटाफट, जितने भी वर्ड यहां पर लिखे गए हैं वो लिख के दिखाइए। हाँ, पनिश की जगह गिल्ट भी लिख सकते हैं, गिल्टी भी लिख सकते हैं, रजत किराला जी ने कहा। पीडीएफ लॉक्ड बता रहा है प्रवीण कुमार, कोई बात नहीं, अभी अभी सारी चीज देख लेंगे। ठीक है प्रवीण, आज आपकी पहली क्लास है, हैव यू टेकन द एडमिशन प्रवीण? तो जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हैं तो वो लॉक खत्म हो जाता है। ठीक है, बाकी आपके शाम तक आपको कवर हो जाएगी चीजें। चलिए फटाफट इनमें कीजिए, एक एक वर्ड का सिनोनिम लिखिए, और बिल्कुल भी आपने कमेंट बंद नहीं होने चाहिए जब तक ये वर्ड याद नहीं हो जाए। आपने इन वर्ड्स के साथ क्या करना है? कुछ नहीं करना, केवल एक वर्ड लिखना है और एंटर दबा देना है, और 10 बार लिखिए, गारंटी देता हूं आप ये वर्ड भूले से नहीं बोली पाएंगे, पहली मोहब्बत की तरह ये शब्द याद हो जाएंगे। फटाफट लिखिए फटाफट, रुकने नहीं चाहिए आज जब तक ये याद ना हो जाए।
और बिल्कुल साथ साथ कदम बढ़ा के याद कीजिए, तुरंत की तुरंत याद हो गए और मैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ रहा हूं। सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉरगिव, एक्सक्यूज, हैव मर्सी ऑन, डील लीनियंटली विद, अब्सॉल्व, अब तेरा मामला सॉल्व, तू घर जा, जा तुझे माफ किया, तेरे सब आरोपों को मैंने साफ किया, ओवरलुक और कॉन्डन के सेंस में। इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्डन, इसके स्पेलिंग एरर के अंदर भी आ जाता है कॉन्डन, ठीक है। जिस पर्सन ने कोई भी गलत काम किया, डन किया, उसको आपने बाद में राजीनामा दे दिया, रजामंदी दे दी, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं और ये आपके पास नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा जंबल्ड सेंटेंसेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत से लोग इसको करने से और करवाने से कतराते हैं, मैं आपको चैलेंज देता हूं इसकी केवल और केवल तीन बातों का ध्यान रखना, कभी PQRS या पैरा जंबल आपका गलत नहीं होगा। यश कुमार सिंघानिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं, क्या हाल है भाई मेरे? BADC बता रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कुछ बच्चे, व्हेन विल यू गिव कंप्लीट डिटेल ऑफ दीज टॉपिक्स लाइक जंबल सेंटेंस। बिल्कुल दूंगा, एक एक करके दूंगा क्लास के अंदर, खाली मैं आज एक बार रिव्यू चेक कर रहा हूं रितिका शर्मा, इन सारी चीजों के ऊपर एक एक चैप्टर कवर होगा और आज के बाद जो कल से क्लास होने वाली है, आपने पहले भी क्लास ली हुई है, एक पूरा का पूरा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने जैसे कवर किया था, इसी तरीके से हम ये टॉपिक्स के ऊपर सारी की सारी बात PPT के थ्रू बात करेंगे, जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है चेंजिंग पैटर्न के अंदर। सबसे पहले अब यहां देखिए एंड, क्या एंड से कभी कोई सेंटेंस शुरू हो सकता है? नहीं, यानी ए से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा। अगर ए से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा तो ए शुरू में दे भी नहीं रखा, कोई काम की बात नहीं है। अगला देखो, अराउंड 4 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर स्केर्स एरिया, पानी की कमी वाले एरिया। स्केर्स का मतलब होता है कमी यानी दुर्लभता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेफिशियंसी। क्या बोलते हैं बेटा? डेफिशियंसी, डेफिशियंसी, या इसी को स्कैर्सिटी भी बोलते हैं, डेफिशियंट के तौर पे बोल देते हैं। ओके, सो व्हेनेवर अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद और बिगिंस विद एंड, देन इट कैन नॉट इनिशिएट एनी पैराग्राफ। सो टू इनिशिएट अ पैराग्राफ इट इज बिकॉज, ग्लोबली वी यूज 6 times, इट इज बिकॉज, इसके कारण, यानी कि हमारे, वी डोंट हैव एनी रीजन, सो फर्स्ट वी हैव टू प्रोवाइड द रीजन बिफोर इनिशिएटिंग द पार्ट सी, सो दिस कैन नॉट बी द इनिशियल सेंटेंस, सो दिस कैन नॉट बी द इनिशियल सेंटेंस, एलिमिनेट दिस सी, द वर्ड्स वाटर क्राइसिस इज गेटिंग वर्स। अब यहां पर बी और डी के अंदर देखो, विच इज गिविंग द फुल फ्लेज इंट्रोडक्शन ऑफ द पैराग्राफ। अगर आपको यह पता लग जाए कि कौन सा वर्ड यहां पर सही से इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। और आपको यहां पता लग गया होगा कि द वर्ल्ड वाटर क्राइसिस इज गेटिंग वर्ल्ड, या अराउंड 4 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर स्केर्स एरियाज। अब ये देखो,
वाटर क्राइसिस वर्स होती जा रही है और बुरी होती जा रही है, क्योंकि अराउंड 4 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर स्केर्स एरिया। यानी सबसे पहले आपके पास डी आना चाहिए, और डी अगर किसी बात को प्रूव करेगा तो वो किसी और बात को प्रूव करेगा। क्या समझते हैं, फटाफट बताइए। तो आपके पास बी और डी के अंदर कौन सी चीज पहले आएगी और कौन सी चीज बाद में आएगी? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपके पास सबसे पहले बी आएगा और बी के साथ डी अटैच करेंगे। अराउंड 4 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर स्केर्स एरियाज, और सेकंड हो गई द वर्ल्ड्स वाटर क्राइसिस इज गेटिंग वर्स। तो जो इससे वाटर क्राइसिस बनती जा रही है वो और बुरी होती जा रही है। और यहां पर सेंटेंस की शुरुआत में जो मैंडेटरी पेयर बनने वाले हैं, इनको बोलते हैं मैंडेटरी पेयर। आप में से कितने लोगों को पता है कि मैंडेटरी का मीनिंग क्या होता है? तो मैंडेटरी शब्द अपने आप में एक एडजेक्टिव शब्द है जिसका मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है, या इसी को वाइटल के सेंस में भी सिनोनिम के तौर पर यूज किया जाता है। और आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस क्लास के अंदर सबसे बड़ी खूबसूरती ये रहती है, क्योंकि मेरा अपना वोकैब का पैशन ग्रामर की स्किल्स के साथ, जब कॉम्प्रिहेंशन के साथ अटैच होते हुए एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को पढ़ाने की कोशिश करता है, मेरे पैशन के साथ जब मैं इन चीजों को यूज करता हूं तो आपको वो वोकैब के बारीक बारीक बिंदु भी एक साथ पता लगते हैं। तो इसका मतलब आपके पास यहां पर जो क्वेश्चन आया वो बी और डी आना चाहिए। अब बी डी यहां पर नहीं है, काट दो। बी डी यहां पे भी नहीं है, काट दो। और बी डी यहां पर है तो ऑप्शन नंबर बी डी सी ए इज द राइट आंसर। सो सी ए इट इज बिकॉज ग्लोबली वी यूज 6 टाइम्स एज मच वाटर टूडे एज वी डिड 100 ईयर्स अगो, और एंड 844 मिलियन डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर क्लोज टू होम अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय वाटर एड। तो यहां पर इस तरह का क्वेश्चन यहां पर बनने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। एक पर्सन जो ड्रॉ करता है या प्रोड्यूस करता है मैप्स को बनाने वाले पर्सन को क्या कहते हैं? और देखिए लेक्सिकोग्राफर शब्द यहां पर आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने कल पहली बार में बताया था। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, कैलीग्राफर, कार्टोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर या कोरियोग्राफर? फटाफट क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका आंसर अगर 5 का ए है तो 5 ए लिखिए, 5 का आंसर बी है तो 5 बी लिखिए, या 5 सी लिखिए, या 5 डी लिखिए। और फटाफट लिखिए, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। और अच्छे बच्चे जो हो वो कम से कम जो इसका आंसर नहीं है उसका एक्चुअल में क्या मीनिंग बनता है, कैलीग्राफर का आंसर क्या बनता है, लेक्सिकोग्राफर का क्या बनता है, या कोरियोग्राफर का क्या बनता है, इसको भी आप इंडिविजुअली लिखने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, कार्टोग्राफर इज द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन जवाब दे दिया है, कार्टोग्राफर। अब आपका काम यहां पर शुरू होता है कि कैलीग्राफर किसे कहते हैं। गुड हैंडराइटिंग जिसकी होती है, जिस पर्सन की बहुत अच्छे सुलेख में लिखता है, उस पर्सन के लिए अ पर्सन हु राइट्स गुड हैंडराइटिंग, अ पर्सन हु राइट्स गुड हैंडराइटिंग इज नोन एज कैलीग्राफर। लेक्सिकोग्राफर किसे कहते हैं बेटा? लेक्सिकोग्राफर शब्द मैंने बताया लेक्सिकन से बना है, और लेक्सिकन एक रूट वर्ड के तौर पे जिसका मीनिंग होता है वर्ड, और जो डिक्शनरी डेवलपर होते हैं उनको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। वन हु राइट्स और कंपाइल्स डिक्शनरी और वोकेबुलरी, जो वोकेबुलरी को लिखते हैं उनको कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। आप में से कितने लोग चाहेंगे कि जितने भी वर्ड्स हम लिखवाते हैं उनके सिनोनिम और एंटोनिम की आप एक बहुत बेहतर नोट्स बना के लिख के, सेंटेंस बना के, उनके ऊपर पैराग्राफ बना के, इंटरेस्टिंग इवेंट या स्टोरी लिखकर आप अगर जनरेट करते हैं तो यू विल बी द मास्टरमाइंड ऑफ द वर्ड और वोकेबुलरी, एंड यू विल बी कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर वन डे। और एक दिन आप लेक्सिकोग्राफर के तौर पर बहुत ज्यादा तरीके से, वेरी गुड। कोरियोग्राफर किसे कहते हैं? कोरियोग्राफर किसे कहते हैं? शाबाश शाबाश, फटाफट बताओ, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर का मतलब होता है अ पर्सन हु कंपोजिज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स
एंड मूव्स फॉर अ परफॉर्मेंस ऑफ डांस, जो डांस की परफॉर्मेंस के लिए मूव्स और स्टेप्स की सीक्वेंस को कंपोज करने का काम करता है, कौन सी धुन पर कौन सा स्टेप होना चाहिए कि मेरे वाली डिंग डेंग डिंग डेंग डिंग डेंग डिंग डेंग डिंग डेंग चलती है। तो इस तरीके से जो भी पर्सन आपके मूव्स को आपके स्टेप्स को तैयार करता है डांस के दौरान, उसको कोरियोग्राफर कहते हैं। यहां पर कोरियोग्राफर की स्पेलिंग भी ध्यान से रखिएगा, आप में से सारे बच्चे एक बार कोरियोग्राफर की स्पेलिंग भी लिखकर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। कोरियोग्राफर शब्द का मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, आपके पास पेपर के अंदर पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग बहुत बढ़िया वर्तनी है, आपको इसका ध्यान रखना है। अ पर्सन हु कंपोजेज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव्स फॉर अ परफॉर्मेंस ऑफ डांस। चलिए फटाफट लिखिए और इसकी स्पेलिंग फटाफट लिख के दिखाइएगा, गलत स्पेलिंग नहीं लिखनी है बेटा। विजय सर को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर बल्जिंग आउट इन द मिडल ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडन स्टेव्स फॉर कीपिंग ऑयल और बियर। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है और ये 2018 के सीजीएल एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीलिम्स पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, नया पढ़ने के चक्कर में पुराना मत भूल जाना, सबसे पहले जरूरी है जो चीज जनरली एसएससी पूछता है उसकी तरफ पूरा पूरा ध्यान देना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ही इज बिजी nowadays इन सम प्रोजेक्ट। तो ललित बालियान कह रहे हैं कि सर एक हेल्पलाइन नंबर अगर आपका है तो दे दीजिए, एक बार हेल्पलाइन लिख लीजिए, एसएससी ट्यूब का हेल्पलाइन लिख लीजिए, सारे बच्चे ध्यान से सुन लेंगे। 9582383837 9582383798, ठीक है जी। सो यहां पर इसका राइट आंसर क्या आ रहा है बताओ,
तो चलो एक एक करके इसका मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले बीन, बीन शब्द का मतलब क्या होता है? बीन शब्द का मतलब होता है रबिश मटेरियल को डिस्पोज करने के लिए जो रिसेप्टेबल रेस्पेक्ट रिसेप्टेकल जो बनाया जाता है उसके लिए बीन शब्द का यूज किया जाता है। तो बीन शब्द भी अपने आप में एक कंटेनर होता है, रिसेप्टेकल होता है, और रिसेप्टेकल लिख लेंगे इनको, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, द रिसेप्टेकल इन विच इन विच टू डिपॉजिट रबिश। रबिश का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, इट्स ऑल रबिश, ऐसे बोलते हैं। अगला वर्ड देखिएगा, आपके पास लिखा हुआ है बुशिल, BUSHEL, बुशिल वर्ड लिखा हुआ है, और बुशिल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फटाफट। हाँ बिल्कुल सही समझ गए हो। बिशेल का मतलब होता है अ मेजर ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू 8 गैलन्स, यूज फॉर कॉर्न फ्रूट या लिक्विड्स के लिए यूज होता है। 8 गैलन के लिक्विड या 36.4 लीटर के इक्वल होता है। अ मेजर ऑफ कैपेसिटी याद कर लेंगे। अगला शब्द आपके पास बैरल, और बैरल यहां पर आपको क्योंकि पता है राइट आंसर हो सकता है आपकी तरफ से, फिर भी इसको एक बार आप लोगों की तरफ से एक बार चेक कर लेते हैं कि आप लोगों का क्या कहना है। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर सी दे रखा है, और बैरल का मतलब होता है अ सिलेंड्रिकल कंटेनर बल्जिंग आउट इन द मिडल, ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडन स्टेव्स विद मेटल हुप्स राउंड देम, एंड इट इज यूज फॉर कीपिंग ऑयल बियर एंड एटसेट्रा। और यही इसका राइट आंसर है, बैरल इसी का राइट आंसर आना था। और इसी के साथ यहां पर एक वर्ड यूज हो रखा है बेल, BALE। आप में से कितने लोग बता पाएंगे बेल का मतलब क्या होता है? है? कौन सी भाषा में? तो बच्चों जैसा कि आपने सुना होगा, बेल का मतलब क्या होता है? बेल का मतलब होता है अ लार्ज रैप्ड और बाउंड बंडल ऑफ पेपर, हे और कॉटन। यानी इसको अगर बात करें तो बंडल के सेंस में यूज किया जाता है बेल को, ट्रस को, जहां पर भी आपकी सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाती है आके, उसी को बेल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चिक चिक बुम। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ये आपके पास अभी कॉम्प्रिहेंशन है, इसको थोड़ी देर में देखते हैं। चलिए, इफ आई हैव मनी आई परचेज दिस हाउस। चलिए ये आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, कितने लोग इसको कर पाएंगे?
अब ये जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं बच्चों, देखो कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस का इतना सा अच्छा रूल है, कंडीशन को शो करते इफ में, इफ के साथ आपके पास तीन चीज लग सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हर कंडीशन अपने साथ कोई ना कोई इंपैक्ट बताएगी। पहली जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ प्रेजेंट वर्ड का मॉडल लिखा होगा, विल, शैल, कैन या मे, और मॉडल्स के साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर इफ की शुरुआत सेकंड फॉर्म के साथ हो रही है तो सेकंड फॉर्म के मॉडल्स यूज हो जाएंगे, विल का वुड बन जाएगा, शेल का शुड बन जाएगा, कैन का क्या बनेगा बच्चे, कैन का कुड बन जाएगा, और मे का मुड नहीं माइट बन जाएगा। और इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल्स के साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और ऐसे थर्ड फॉर्म आएगी हैड के साथ। अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो यही वुड या शुड या कुड या माइट ऐड हो जाएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अब आप देखो शुरू में दे रखा है, इफ आई हैव मनी आई परचेज दिस हाउस, तो आई परचेज दिस हाउस हैव लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है, तो विल शैल कैन में आना चाहिए, परचेज्ड नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, ये लगा हुआ विल, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सूरज कुमार शर्मा बता रहे परचेज्ड हो जाएगा, सेंटेंस की शुरुआत प्रेजेंट में है, पास्ट में कैसे चला जाएगा, परचेज्ड आंसर नहीं आएगा। इस रूल को ध्यान रखकर काम करेंगे, अगर सेंटेंस की शुरुआत फर्स्ट फॉर्म में है विल शैल कैन में से लगेगा और साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगा। ममता थोड़ा सा गलत बता रही है, अभिलाषा खत्री मेरे साथ जुड़ गई है, हेलो गुड आफ्टरनून, तो यहां पर जो आप रूल को देखते हुए बात करें तो यहां आई विल परचेज इज द राइट आंसर आएगा। बताइए सब लोगों को समझ में आ गया या नहीं, जितने लोगों को कंडीशनल सेंटेंस की ये समराइज फॉर्म में रूल समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। और यहां से आपके पास प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन और मेंस में तीन या चार क्वेश्चन आपके पास गारंटेड आते ही आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना, किसी की टांग खींचने का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट समवन होता है, किसी पर विश्वास करना होता है, या जॉक विद समवन होता है, किसी के मजे लेना होता है, गेट अपसेट विद समवन होता है, किसी से उदास, नाराज, परेशान, हताश होना, या टेल समवन अ सीक्रेट, किसी को सीक्रेट बताने से रिलेटेड होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, प्रवीण कुमार ने सी बताया, नहीं, किसी की टांग खींचने का मतलब है जॉक विद समवन होता है। अक्सर इसका बच्चे राइट आंसर हिंदी की अप्रोच में ऐसा मान लेते हैं कि इसका मतलब होता होगा किसी से अपसेट होना, नहीं, इसका मतलब होता है जॉक विद समवन। सैम इज सो हिलारियस Sam is so hilarious that he always pulls. He always pulls Ravi's leg so as to
टीज हर, टीज हिम प्लेफुली। और ये इसके ऊपर एक सेंटेंस बना के दिखा दिया, जिसको आप साथ में इसको अटैच करके लिख सकते हैं, या आप अपना सेंटेंस अपने तौर पर भी सेंटेंस जनरेट करके मुझे बता बता सकते हैं। अरे आज तो बहुत चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। अ नंबर ऑफ इंडियन गुड्स फेस अ डैश कॉम्पिटिशन फ्रॉम चाइनीज गुड्स इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस एंड लुक्स। अ नंबर ऑफ इंडियन गुड्स, बहुत सारे इंडियन गुड्स है वो फेस कर रहे हैं एक ऐसा कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं, ए डैश कॉम्पिटिशन। अब जब भी आपके पास ऐसा तरीके से आए तो शिवम ध्यान देना, बाकी लोग भी ध्यान देना, ए क्या है? आर्टिकल। और आर्टिकल किसको क्वालिफाई करते हैं? किसी नाउन को। पर नाउन और आर्टिकल के बीच में कभी भी कुछ मिलेगा तो वो क्या मिलेगा? एडजेक्टिव। तो यानी कि ये ब्लैंक आपके पास कैसा होना चाहिए? एडजेक्टिव के सेंस में होना चाहिए। कपिल शर्मा ऑलवेज पुल्स मिस्टर गुलाटीज लेग, वेरी गुड, उसके हमेशा मजे लेता रहता था, बहुत बढ़िया, कपिल ने सही आंसर दिया है। चलिए तो एंग्री कंपटीशन है, पावरफुल कंपटीशन है, फीस कंपटीशन है या बोल्ड कंपटीशन है? बहुत बढ़िया, आप अपना आंसर जो भी आंसर बी दे रहे हैं वो थोड़ा सा सोच के देना भी आंसर। कभी भी पावरफुल कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन के लिए हमेशा फिर्स शब्द का इस्तेमाल किया जाता है एडजेक्टिव के तौर पर। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्या मीनिंग के अंदर चेंज आ जाता है कि जो हमें लग रहा है वो आंसर नहीं होता और जो होता है वो हमें पता नहीं लगता। फिर्स का मतलब होता है हैविंग और डिस्प्लेइंग एन इंटेंस और फेरोसियस अग्रेसिवनेस, जिसके तौर पर इसको एडवर्ब के तौर पे वेरी एक्सट्रीम के सेंस में भी याद किया जाता है। आई एम फील्स प्राउड ऑफ यू, आई एम फील्स प्राउड ऑफ यू के तौर पर अगर मैं बोलूं तो मैं कहता हूं आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही आपके पास जब चीजें हद से ज्यादा लेवल पर हो जाती है और कंपटीशन जो होता है चाइनीज गुड्स का प्राइसेस और लुक्स के तौर पे एक बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा जो होती है वो कभी भी अच्छे तरीके से नहीं होती, साउंड कंपटीशन की जगह ऐसे में मारा मारी गला काट प्रतिस्पर्धा चलती है और यहां पर फियर्स आंसर आता है। और ऐसे वर्ड जो किसी नाउन के साथ वो फिक्स एडजेक्टिव हमेशा बनकर काम करते हैं यही आएगा, ऐसी चीजों को कोलोकेशन के नाम से जाना जाता है। बोलना एक बार कोलोकेशन, ये बस सारे बच्चे बोलेंगे कोलोकेशन, क्या बोलना है? कोलोकेशन। सो फियर्स का मतलब है हैविंग और डिस्प्लेइंग, हैविंग और डिस्प्लेइंग
एन इंटेंस और फेरोशियस एग्रेसिवनेस। किससे? Ferocious बोलते हैं। A fierce fight was soon raging for the, soon raging for the villagers. Ferocious spelling होगी इसकी, ferocious. Ferocious का meaning होता है भयानक या डरावने के sense में होता है, उग्र के sense में इसका meaning लिया जाता है। So उनके बीच में जो competition चल रहा था वो उग्र competition चल रहा था, कौन किस पर हावी पड़ने वाला है। इस तरीके के competition के लिए जो collocative word use किया जाता है वो fierce किया जाता है। सो फियर्स का मीनिंग आपने देख लिया, फियर्स का सेंटेंस आपने देख लिया, और फियर्स के सिनोनिम के तौर पर अब आपकी बारी शुरू होती है। तो चलिए एक वर्ड मैं लिखूंगा, अगला वर्ड आप तुरंत कमेंट करेंगे। कलर यहां से चेंज करता हूं और फर्स्ट वर्ड लिख रहा हूं, तो फियर्स का पहला सिनोनिम होता है फेरोशियस। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंटर मारिए, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। अगला वर्ड यहां पर यूज होता है सावेज। बोलेंगे मेरे साथ दो बार, सावेज सावेज, और इसी को विशियस भी बोलते हैं। विशियस, वाइल्ड, फेरल, अग्रेसिव, ब्रूटल, ठीक है, और इसी को थ्रेटनिंग या मर्डरस भी बोल देते हैं। मर्डरस, फटाफट लिखिए, फटाफट रुकने नहीं चाहिए कमेंट, देखो फटाफट लिखिए। फटाफट 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 लिखो, ब्रूटिश, ब्रूटल, थ्रेटनिंग, मर्डरस, अग्रेसिव, फरोशियस, सावेज, वीसियस, वाइल्ड और फेरल। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये यहां पे शी रेड दैट नॉवल सिंस शी गॉट अप इन द मॉर्निंग। शी रेड दैट नॉवल सिंस शी
गॉट अप इन द मॉर्निंग, तब से जब से वो मॉर्निंग में उठी है तब से लेके अब तक वो नॉवल को पढ़े जा रही है, तो क्या लेंगे इसका आंसर? तो इस क्वेश्चन के अंदर छोटी सी प्रॉब्लम थी दैट नॉवल, सिंस शी हैज बीन रीडिंग दैट नॉवल या शी हैज रेड दैट नॉवल या शी रीड्स दैट नॉवल, या नो इंप्रूवमेंट, ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं, तब से वो जब से उठी है तब से वो पढ़े जा रही है, इसका मतलब इसके अंदर दो काम आ रहे हैं कि कुछ कुछ उसका काम जो पूरा भी होता जा रहा है और पूरा होने का मतलब परफेक्ट टेंस भी है, और उसका कुछ कुछ काम अभी चल भी रहा है यानी कॉन्टिन्यूअस भी है, और ऐसे में मिक्स पार्ट टेंस का यूज होगा जिसे हम टेंस के चैप्टर में यूज करने जा रहे हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो आपके पास फॉर्मेशन बनती है वो बनती हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद ING। और यहां पर ये आंसर बताओ, ये वाला आंसर कौन से स्ट्रक्चर से आपको मिल रहा है? फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा आंसर आपको दे रहा है। एंड द ओनली ऑप्शन, वन एंड ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, यहां पे दैट नॉवल का कोई खेल नहीं था, काट दो, क्योंकि सब में ये कॉमन लिखा हुआ है, जानबूझ के शब्दों को बढ़ाने की बात है, केवल वर्ब का खेल बना हुआ था, हैज रेड रेड या हैज बिन रीडिंग के सेंस में बना हुआ था, तो हैज बिन रीडिंग इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टेंसेस के अंदर जिस दिन हम पढ़ाएंगे उस दिन बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट पहले से ही ऐसे क्वेश्चन में है जो प्रीलिम्स लेवल पर SSC CGL और CPO में पूछा जा चुका है। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन पे चलना हो तो वाई बताएं वाई, और नहीं चलना हो तो भी वाई लिखें। फटाफट फटाफट, या नोट कर रहे हैं कुछ? मैनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी वर डैश फ्रॉम अ डीलर इन एंटेक्स बाय द कस्टम अथॉरिटीज एट द डाली एयरपोर्ट। राहुल भारद्वाज, मजा आ रहा है इसका मतलब तुम्हें? राहुल 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 के पता है कितने सारे वाई आए हैं? कम से कम 50। बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश। चलिए अब यहां पर आपने आपका एक आपसे कोई सवाल करता हूं मैं। IVORY, आइवरी का मतलब क्या होता है? आ लिए ज्ञान।
सचिन गर्ग, कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, कल वाली क्लास शो क्यों नहीं हो रही है सर? कल मैं क्लास नहीं ले पाया था। कल क्लास हुई थी क्या सर? इंग्लिश की क्लास नहीं हुई सचिन, बाकी अगर कोई क्लास हुई थी फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो अभी आपको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। सबसे पहली बात, आइवरी का मतलब किसी ने नहीं बताया सर, पूरा ऑप्शन का मीनिंग बता दें। मीनिंग का तो ऑप्शन मैं बता रहा हूं, इसका मतलब होता है हाथी के जो दांत होते हैं बड़े बेशकीमती होते हैं, और हाथी के दांतों से बनी हुई जो आइटम थी वर डैश फ्रॉम अ डीलर, एक डीलर से की गई इन एंटिक्स। एंटिक्स का मतलब होता है ओल्ड बट वैल्यूएबल थिंग्स, ओल्ड बट वैल्यूएबल थिंग्स। किसके द्वारा किया गया? कस्टम अथॉरिटी के द्वारा। कस्टम वाले कौन होते हैं? जो कस्टम इंस्पेक्टर आप बनने वाले हो वो अथॉरिटीज। एट द दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर वो जब्त कर ली गई। सर आ रही है बाकी तो, अच्छा बाकी तो आ रही है, ठीक है। अप्रोप्रिएट की गई, कॉन्फिस्केट की गई, अनेक्स की गई, या हाईजेक की गई। हाईजेक का मतलब होता है किडनैप करना, और किडनैप लीगल अथॉरिटी से छुपकर कोई काम किया जाए तब होता है, लेकिन जब खुद लीगल अथॉरिटी आपके सामान को जब्त करने की कोशिश करती है उसको हम कॉन्फिस्केट कहते हैं, और कॉन्फिस्केट का मतलब होता है सीज्ड, और यहां पर यही इसका राइट आंसर आना था और बी इज द राइट आंसर। लेकिन हमारी हमारी कोशिश यही खत्म नहीं होगी स्टूडेंट्स, यहां पर हमें केवल और केवल यही नहीं जानना है कि राइट आंसर कौन सा आना था। हो सकता है कल को एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए जिसमें राइट आंसर अनेक्स बनना हो, तो मुझे अनेक्स का मीनिंग भी तो पता होना चाहिए जब मैं एलिमिनेशन पर आता हूं, या मुझे अप्रोप्रिएटेड का भी मीनिंग पता होना चाहिए, और अप्रोप्रिएटेड शब्द मिस अप्रोप्रिएशन से कैसे यूज होता है, जब फ्रॉडुलेंट मनी जब फ्रॉड किए जाते हैं तो उसको कहा जाता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। सो अनेक्स का मतलब होता है बेटा एड एज एन एक्स्ट्रा और सबोर्डिनेट पार्ट स्पेशली टू ए डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई सबोर्डिनेट पार्ट या कोई एक्स्ट्रा पार्ट को ऐड कर देने को एनेक्स बोलते हैं, और इसी से आपके पास एक एनेक्स्चर शब्द भी बनता है। दूसरी बात, एड और अटैच एज ए कंडीशन और कॉन्सिक्वेंस के तौर पर, तो एनेक्स को याद रखेंगे, एनेक्स वर्ड को याद रखेंगे, एनेक्स के सिनोनिम अगर लिखने हो तो लिख लीजिएगा, एड के तौर पर याद रखेंगे इसको, अपेंड के तौर पर याद रखेंगे, बोलना एक बार अपेंड, और इसी वर्ड को एक और वर्ड अटैच इजी मीनिंग के तौर पर याद रखेंगे, या इसी को टैग ऑन के सेंस में याद रखेंगे, किसी को टैग कर देना इस तौर पर याद रखेंगे। तो क्या उसका जो सामान, जो इलीगल सामान वो लेके जा रहा था उसको अटैच किया गया? नहीं, जब्त किया गया है, सीज किया गया है, कॉन्फिस्केट किया गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए, अब बात इस पर भी आनी चाहिए कि सर कॉन्फिस्केट के आखिर सिनोनिम और कौन कौन से बनते हैं। आपने तो सीज तो बता दिया, सीज के अलावा कौन सा वर्ड होता है? तो आपको याद होगा कई बार आपकी गाड़ी इंपाउंड हो जाती है, और इंपाउंड को भी क्या बोलते हैं? कॉन्फिस्केट या सीज के सेंस में बोला जाता है। कलर चेंज करके लिख रहा हूं, रेड कलर में जो भी लिखा हुआ है वो सारे के सारे सिनोनिम ऑफ कॉन्फिस्केट है। तो पहला सिनोनिम है इंपाउंड, दूसरा सिनोनिम इसके अंदर आ जाएगा सीज, इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में आया हुआ है अगर आप 10 ईयर को प्रीवियस ईयर को फॉलो करते हैं, और इसी के तौर पर एक वर्ड यूज होता है कमांडियर। कमांडियर शब्द, कमांडियर जो शब्द है कमांड करके किसी पर्सन का सामान जब जब्त कर दिया जाता है कमांडियर। कमांडियर शब्द आपके लिए COMMAND कमांड और EER, और याद रखेंगे कॉन्फिस्केट अगर वर्ब है तो मैं वर्ब को वर्ब से ही मैच कर रहा हूं, तो कमांडियर कमांडियर्ड कमांडियर्ड, ED ED लग के इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, या कमांडियरिंग ING लगा के इसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बन जाएगी, और इसी को अप्रोप्रिएट के सेंस में भी बोला जाता है। तो इसका मतलब अप्रोप्रिएट या एक्सप्रोप्रिएट, इसी को एक्सप्रोप्रिएट भी बोला जाता है, एक्सप्रोप्रिएट किसी चीज को जब्त करना, एक्सप्रोप्रिएट, ठीक है। इसी का पांचवा सिनोनिम लिख लेना सिक्वेस्टर, SEQUESTER, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बॉक्स में डाल रहा हूं, ये वर्ड पिछले साल मेंस में भी पूछा गया था।
तो जब आप इतने सारे वर्ड्स को एक साथ याद करने की कोशिश करते हैं, इतनी सारी चीजों को आप पेपर में क्या पूछा गया है और क्या नया पूछा जा सकता है, इन दोनों चीजों को अटैच करने की जब कोशिश करते हैं, तब आपके कहीं सिलेक्शन के नजदीक लगते हैं। और तब आप पेपर में जब क्वेश्चन करने के बाद उठते हैं, तब आप फील कर पाते हैं कि जो भी मैंने आंसर दिया है वो करेक्ट है। नहीं तो आप आंसर देने के बाद पता नहीं कितने नंबर आएंगे, होएगा या नहीं सिलेक्शन। इस तरह की मोनोटोनस अप्रोच बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। कन्विक्शन लेके आइए, पढ़ना है और डंके की चोट पर पढ़ना है, अच्छा काम करना है, अच्छे से पढ़ना है, और उसके सारे के सारे विकल्प हटा दो। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, केवल एक ही विकल्प, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। और उस संकल्प शक्ति के साथ पढ़िए कि सारे विकल्प आपको पता होने चाहिए, कितने ऑप्शन दिए हुए हैं वो सबके मीनिंग आपको पता हो। एक बार फटाफट एक बार दोबारा से मेंशन कर दीजिए ताकि मैं देख पाऊं आप सब लोग ठीक से लिख रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शी लॉस्ट अ बैग ऑर्डर फ्रॉम अ नॉन शोरूम इन केस ऑफ हर ऑन केयरलेसनेस। She lost a big order from a non-showroom in case of her own carelessness. She lost a big order from a non-showroom in case of her own carelessness. अब देखो, इन केस ऑफ कंडीशन के लिए यूज होता है, जबकि जब आपको किसी चीज का रीजन देना हो कि किस चीज के कारण ऐसा हुआ है, तो वहां पर आप ड्यू टू या ओइंग टू या बिकॉज ऑफ का यूज करते हैं, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज आपके पास बनते हैं। तो यहां पर ये इन केस ऑफ का ग्रामेटिकल एरर है, तो ग्रामेटिकल एरर निकालना है तो ए में आएगा। सर इसको ठीक करना हो ये क्योंकि गलत है तो कैसे करेंगे, तो आप ड्यू टू, ओइंग टू या बिकॉज ऑफ लगा दोगे तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। इन केस ऑफ यहां पर रॉन्ग है, इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर आएगा। ऑल सेंटेंस आर करेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज। सो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास करते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड द सिनोनिम ऑफ इनएप्ट। इनएप्ट का सिनोनिम निकालना है आपको यहां पर। सो देयर इज वन वर्ड एप्टीट्यूड, सो लर्न विद मी। वन वर्ड इज एप्टीट्यूड, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड? इट इज नोन एज स्किल। हिंदी में इसको योग्यता या अभियोग्यता के नाम से जानते हैं। एंड देयर इज एन रूट वर्ड एड। There is a root word add which means towards। हिंदी में बोलते हैं किसी चीज की ओर। And one who has inclination to get more skill, तो that person is known as add plus apt, it is known as adapt। What is the word adapt? So adapt means skillful। Adapt means होता है skillful। So the antonym of adapt is inept। So inept is the antonym of adapt, which means someone who is unskillful, who is unskillful, and also we can use the word awkward, clumsy, or grotesque. Awkward, clumsy, or grotesque for this synonym. So, what are the synonym of inept? Unskillful, awkward, clumsy, or grotesque. So, यहाँ पर आपके पास synonym of the word inept मांगा गया है। What is the answer? Capable, fit, strong or clumsy? So what is the answer? Speak with me. Very good. Option number D is the correct answer. बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 18A मान लेते। Suppose it be as a question number 18A. If I write 18B and find the antonym of
एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्लम्सी, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ क्लम्सी फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शंस। इन चारों ऑप्शन में से क्लम्सी का एंटोनिम कौन सा है? सिनोनिम तो आपने निकाल लिया, सो व्हाट शुड बी द सिनोनिम? कैपेबल, फिट, स्ट्रांग। फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, डोंट स्टॉप कमेंटिंग, कमेंट जारी रखेंगे, बिल्कुल नहीं रुकना है। कौन? वेरी गुड वेरी गुड। स्किलफुल मीन्स कैपेबल, एंड कैपेबल इज द एंटोनिम ऑफ क्लम्सी, इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। चलिए, यहां पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है, और दो क्वेश्चन आपके पास रॉन्ग स्पेलिंग से रिलेट करके भी आते हैं। यहां पर आपको रॉन्गली स्पेल्ड स्पेलिंग बतानी है। एक्सचेंज, एक्सरसाइज, एक्साइट या एक्सक्लेम में से कौन सी स्पेलिंग गलत है? फटाफट फटाफट बताओ, बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहो, शाबाश। अच्छा, जो गलत है उसको ठीक कैसे लिखेंगे ये भी मेंशन कर दो फिर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो गलत स्पेलिंग है उसको ठीक कैसे लिखेंगे? 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैं आपकी बात से एतबार करता हूं, वाकिफ हूं, बिल्कुल सही है। और वेरी गुड, इसका मतलब एक्साइट नहीं, एक्साइट होगा। अब यहां से फिर वोकैब निकल कर आती है कि एक्साइट का सिनोनिम क्या बनेगा, वर्ब के तौर पे एक्साइट का सिनोनिम्स क्या बनेंगे? व्हाट इज द इजी मीनिंग, हिंदी में ही बता दो बेशक एक्साइट का मीनिंग क्या होता है, बाद में इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। एक्साइट मीन्स टू कॉज समवन टू फील वेरी एंथुजियास्टिक एंड ईगर। किसी पर्सन को एंथुजियास्टिक फील कराना, ईगर फील कराना, क्यूरियस फील कराना, और इसी वर्ड के तौर पर एक्साइट का मतलब होता है किसी पर्सन की भावनाओं को अराउज करना, मोटिवेट करने के सेंस में यूज होता है। जैसे मैं आपको बार बार ऐसे बोलता हूं, कमेंट कीजिएगा, कमेंट नहीं रुकने चाहिए, तो आपके मन मस्तिष्क में एक ज्वाला, एक आग सी जलती है कि नहीं सर, हमारे लिए लगे हुए हैं, हमको भी इसका रिप्लाई करना पड़ेगा ताकि पेपर के अंदर ये सारे वर्ड्स हमें याद रहे। तो इसी एक्साइट के जो सिनोनिम होते हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ड जो आपकी खिदमत में है वो है थ्रिल। दूसरा वर्ड है इसी के लिए एक्सिलरेट। वर्ड क्या है? एक्सिलरेट। और एक्सिलरेट की स्पेलिंग बनेगी लारेट, और यह भी खुद स्पेलिंग एरर में पूछ लिया जाता है, एक्सिलरेट। इसी के अंदर एक वर्ड बनता है एनिमेट। एनिमेट वर्ड एनिम से बना है, एनिम का मतलब होता है जान, और किसी के अंदर जान लेकर आना एनलिवन के सेंस में भी यूज होता है, एनलिवन। और इसी को राउज या स्टर भी बोलते हैं। स्टर का मतलब केवल घुमाना ही नहीं होता, स्टर का मतलब किसी पर्सन के अंदर रौनक लाने के सेंस में भी इसको यूज किया जाता है, स्टिमुलेट करना या इनफ्लेम करने के तौर पर भी यूज किया जाता है। और इसी को अगर मैं कहूं तो स्टिमुलेट के साथ साथ एक और वर्ड यूज करते हैं, बिजली भर देना किसके अंदर, और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रीफाई। एक एक वर्ड को लिखेंगे और एंटर लगाते जाएंगे, देखता हूं आपके सिनोनिम ज्यादा बनते हैं या मेरे सिनोनिम ज्यादा बनते हैं। और इसी के सिनोनिम और एंटोनिम के तौर पर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कौन से बनते हैं, थोड़ी देर में उसी को देखते हैं। एनजीएस नहीं बनेगा, एनजीएस देखो ओयूएस से खत्म है, एडजेक्टिव है, और मैंने बताया एक्साइट वर्ब है, और वर्ब को किससे मैच करेंगे बेटा, वर्ब को वर्ब से मैच करेंगे, शाबाश। फटाफट लिखिए फटाफट, एक थ्रिल, बहुत बढ़िया, रोशन कुमार ने लिख दिया थ्रिल। अगला वर्ड लिखिए फटाफट, थ्रिल के बाद एक्सिलरेट, एक्सिलरेट लिखकर एंटर दबाइए। स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखनी है, 10 बार लिखिए वर्ड को, बट स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, लिख लिख के याद कीजिए।
ये वर्ड आपके पास स्पेलिंग एरर में पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के कहीं पे भी देख लीजिएगा, ये दस दस बार पूछी गई चीजें हैं। इसका मतलब आपको एक बात पता लगनी चाहिए कि कैसे फैमिली ऑफ वर्ड से ही पेपर आ रहे हैं। कुछ ही सिलेक्टेड वर्ड है एसएससी के पास जहां से पेपर आ रहे हैं, बस इस बैच का मुकाबला इसी बात से है कि हम वो वर्ड पकड़ेंगे, उसकी पूरी फैमिली याद करेंगे और फिर देखेंगे क्या क्या तुम पूछ चुके हो और क्या क्या एसएससी वालों तुम पूछ सकते हो। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। इलेक्ट्रिफाई इलेक्ट्रिफाई इलेक्ट्रिफाई, बिल्कुल सही शब्द है। चलिए अगले वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। आपको यहां पर सिनोनिम बताना है इन आर्टिकुलेट। इन आर्टिकुलेट को देखो कैसे याद करते। आरती तू क्यों लेट आई, सही सही बता। आरती तू क्यों लेट आई, सही सही बता। तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्टेट समथिंग फ्रिक्वेंटली। कोई चीज जो फ्रिक्वेंट तरीके से बोल दी जाती है, फ्लुएंट तरीके से बोली जाती है, उसे बोलते हैं आर्टिकुलेट। इसका मतलब इन आर्टिकुलेट के आगे इन लग गया तो इसका मतलब फ्लुएंट नहीं बना आदमी। तो जो पर्सन फ्लुएंट ना हो उस पर्सन को इलोक्वेंट भी नहीं बोलेंगे, फ्लुएंट भी नहीं बोलेंगे, इनएविटेबल भी नहीं बोलेंगे, उस पर्सन को बोलेंगे इनकोहेरेंट। क्या बोलेंगे? इनकोहेरेंट। थ्रिल एक्जिलरेट, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्लुएंट तो इसका सिनोनिम हो गया, सॉरी आर्टिकुलेट का सिनोनिम हो गया, मतलब इन आर्टिकुलेट का एंटोनिम हो गया। इनएविटेबल यहां पर मैच ही नहीं कर रहा, वैसे इनएविटेबल का मतलब होता है द थिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता उस चीज को इनएविटेबल बोलते हैं। इलोक्वेंट का मतलब होता है, इलोक्वेंट शब्द लॉक्यू एक रूट वर्ड से बनता है और लॉक्यू रूट वर्ड का मतलब होता है टॉक, और जो पर्सन बहुत अच्छी बात करता है, ऐसी बात करता है जिसको सुनते रह जाएं, जिसको जिसको आप गाते रह जाएं, जिनको आप देखते रह जाएं, जिनकी बातों को सुनते रह जाएं, जो गिफ्ट ऑफ गैब, जो बातों के धनी हैं, उनको इलोक्वेंट किया जाता है। और यहां पे एल का मतलब एक्सीलेंट है और लोक का मतलब टॉक है, और वन हु टॉक्स एक्सीलेंटली, जो बहुत ही प्यारे इंप्रेसिव तरीके से बोलते हैं, जो अपनी बात को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि आपका मन मस्तिष्क उनकी बातों को सुनने के लिए इंप्रेस हो जाता है। और आपको जरूरी है कि आपकी पर्सनालिटी इंप्रेसिव पर्सनालिटी होने के लिए आपको बोलना बहुत अच्छा आना चाहिए। आज के टाइम में, आज की लाइफ स्टाइल के अंदर ये वक्त की डिमांड है, मांग है, और आपको इसको पूरा करना है।
चलिए, यहां पर ये सारे वर्ड आप अगर कर चुके हैं तो अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है, प्लीज शो मी माई सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है और इसको आपने पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है। चलिए, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? जब भी एक्टिव में कोई भी वर्ब दे रखी है, सेम टेंस को रखते हुए उसको आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए और ये बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। सर, इसको एक बार अप्लाई करना आप सिखा दो। तो मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं, प्लीज शो मी, मुझे शो करो। क्या शो करो? माई सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक। तो बताओ यहां पर वो क्या कहना चाह रही है? माई सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक वॉज प्लीज शोन टू मी। ऊपर पास्ट टेंस है नहीं, वॉज नहीं आएगा। आई विल प्लीज बी शोन माई मैथमेटिक्स सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक। आई मे प्लीज बी शोन माई सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक, या माई सन मे प्लीज बी शोन, मेरे सन को दिखाओ या मुझे दिखाओ। तो ये तो नहीं आएगा, वो कह रही है मुझे दिखाओ। आई विल प्लीज या आई मे प्लीज। और जब भी आप किसी को प्लीज कहते हो तो विल का नहीं, आप उसे रिक्वेस्ट करते हो। और जब भी आप किसी से कोई रिक्वेस्ट की डिमांड या ग्रांट करते हो तो यहां आंसर मे से शुरू होता है। वहां पर मॉडल्स मे का इस्तेमाल होता है, जिसे हम अपने मॉडल्स के चैप्टर में कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन में देखने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बी आंसर दिया और सभी का बिल्कुल सही आंसर है। कुछ लोगों ने बड़े निराले आंसर दे रखे हैं, वो लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 आपके पास आ चुका है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। यहां पर कंपैरेबल, कमीशन, कमिटी और कंसाइंस चार वर्ड लिखे गए हैं, इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है वो आप बताइए। और जितने बच्चे ये निकाल पाने में समर्थ होते हैं कि सर ये वाली स्पेलिंग गलत है, तो पेपर में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे नहीं पता एसएससी का स्टैंडर्ड क्या जा रहा है, बट ये क्वेश्चन आपके पास्ट पेपर से निकाल के लिखा गया है। आसान है या हार्ड नहीं है, एक सिंगल सेट के 25 क्वेश्चन निकाले हैं मैंने, जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। और अब इसकी स्पेलिंग आपने बतानी है, सही स्पेलिंग क्या होगी, कमेंट करके एक बार एंटर लगाइएगा क्या इसकी स्पेलिंग होगी। राहुल भारद्वाज, मोहम्मद मुनशिन और निशांत ने बहुत बढ़िया लिख दिया है और यहां पर राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, कंसाइंस की स्पेलिंग गलत है, कंसाइंस की स्पेलिंग आएगी ये। ओहो, कुछ बच्चे जो कमेंट नहीं कर रहे हैं जबकि मौजूद है, देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट कीजिए। ठीक है, कंसाइंस की स्पेलिंग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल शब्द का एंटोनिम बताइए। सबसे पहले मुझे आप एक्सेप्शनल शब्द के सिनोनिम बताइए और जैसे ही आप सिनोनिम को सोच पाएंगे आप इसके एंटोनिम्स को भी सोच पाएंगे। सबसे पहले आप एक्सेप्शनल के सिनोनिम बताइएगा। एक्सेप्शनल का मतलब होता है बच्चे जो चीज अनयूजुअल, अनकॉमन, अबनॉर्मल, अटिपिकल होती है, जो पर्सन अपने आप में अपवादित होती है, जो चीज यूजुअली या जनरली नहीं होती, यूजुअली या जनरली नहीं होती, तो इसके आगे लिख देंगे अनयूजुअल, या इसी को लिख देते हैं अनकॉमन, या इसी को कह देते हैं बच्चों अटिपिकल।
या इसी को नॉर्मल ना होकर वो चीजें हो जाती है अबनॉर्मल। इसी चीज को बोल देते हैं जो चीज ऑर्डिनरी ना होकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसी को आउट ऑफ द वे या रेयर भी बोलते हैं, जो अपने आप में बिल्कुल अकेली ऐसी वस्तु है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और इसके लिए एक वचन की तरह ही इस वर्ड को यूज किया जाता है। जो पर्सन अपने आप में एक है, उसके जैसा कोई नहीं है, और अक्सर प्रेमी अपनी प्रेमिका को कविता लिखते वक्त अक्सर कह देता है, यू आर एक्सेप्शनल एंड सिंगुलर टू मी, यू आर एक्सेप्शनल एंड सिंगुलर टू मी। उसी के सेंस में इसको सरप्राइजिंग या अनएक्सपेक्टेड या ब्रिजायर के सेंस में फिर अलग अलग वर्ड आ जाएंगे। और एक अच्छा वर्ड अगर लिखा चाहे तो पकुलियर, पकुलियर भी वर्ड इसके अंदर लिख सकते हैं। पकुलियर, पकुलियर इसके अंदर एक वर्ड मेंशन कर सकते हैं। वेरी गुड, एबरेंट, अनरिमार्क, वेरी गुड, अनहर्ड ऑफ, वेरी गुड, एक अच्छा वर्ड लिखा है शिवम ने, अनहर्ड ऑफ, जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना हुआ। इसी को एक वर्ड और कहते हैं यूनिक। यूनिक का मतलब है जो चीज अपने आप में अनमोल है, अनोखी है। तो अब यहां पर क्वेश्चन करते हैं, एक्सेप्शनल का मतलब क्या होगा? अनकॉमन, अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल या अनरिमार्केबल। क्योंकि जो चीज एक्सेप्शनल होती है वो चीज रिमार्केबल होती है। क्या होती है? रिमार्केबल। तो हमारे पास पूछा गया है एंटोनिम, तो एंटोनिम के तौर पर जो अनरिमार्केबल होगा उसके लिए यूज होगा। और आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का डी आंसर आ गया है एक बार वाई लिखकर बताइएगा फटाफट। कितने लोगों का वाई मतलब यस लिखकर बताइएगा, कितने लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है सबसे पहले, और यहां पर आपके पास क्या इसका आंसर आने वाला है, ग्रामेटिकली कहां पर इसको इंप्रूव किया जा सकता है, ये आपने इसके अंदर बताने की कोशिश करनी है। और इस तरह के क्वेश्चंस को आप बताने की कोशिश करते हैं तो ग्रामर के कौन से पिन पॉइंट के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पास आजकल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जा रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। एक्सट्रेनियस ग्रामर रूल्स को अगर आप याद भी कर लेते हैं लेकिन इंप्लाई नहीं कर पाते, तो आप इतना बड़ा बोरे का बंडल क्या दिमाग में लेके जाओगे। सीधा वहां वार कीजिए जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड यू विल बी द इंस्पेक्टर वन डे। पांच सात फोटो ले लेना। अरे भाभी हमें चुमा रहे, इसमें तो स्क्रीनशॉट ही आएगा। अरे लिंक लिंक रहता है लेकिन डेस्कटॉप का टाइम टाइम सब थोड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, वो कर देना वो तो हटा चुका है। बॉक्स नॉक डाउन आएगा, नॉक डाउन आएगा, होम्स एंड ब्रिजेस स्वेप्ट अवे, रोड्स विंड्स अप टू। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एरर निकालना है सेंटेंस के अंदर, कौन से पार्ट में एरर निकलेगा। तो चलिए फटाफट जवाब दीजिए, देखते हैं। टोरेंशियल रेन्स एंड विंड्स ऑफ अप टू 170 किलोमीटर पर आर स्वेप्ट अवे रोड्स होम्स एंड ब्रिजेस एंड नॉकिंग डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइंस। अब यहां पर वोकैब का एरर था, या यूं कहें कि यहां पर फ्रेजल वर्ब का एरर एरर था। तो एरर वाज रिलेटेड टू योर वोकैब और फ्रेजल वर्ब्स। अब अगर इस तरह के एरर आपके पास आ रहे हैं तो आपको ग्रामर के अंदर वोकैबुलरी का यूज करना भी आना चाहिए।
सबसे पहली बात है कि आपके पास यहाँ नॉक डाउन आएगा, नॉक आउट आएगा, तो बात करते हैं इस बारे में भी। लेकिन दूसरी बात ये है आपके पास कि दो दो गलतियां हैं। एक तो पहली बात, नॉक डाउन लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉक आउट आना चाहिए। और दूसरी बात, एंड से पहले जो वर्ब चल रही है वो स्वैप्ट अवे यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म चल रही है। तो एंड के बाद भी एक रूल होता है छोटा सा पैरेललिज्म, जिसको जिरंड्स इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल के बाद हम देखने वाले हैं। और यहां पर नॉक्ड और ये डाउन हो जाएगा, सॉरी आउट हो जाएगा, और ये करेक्ट सीक्वेंस बनेगी। यानी एरर ए पार्ट में है और इसकी करेक्शन बनेगी यहां पर नॉक्ड आउट। तो सर पहले तो ये बताओ, डाउन का आउट क्यों किया? वो डाउन का आउट अगर किया तो मीनिंग में क्या डिफरेंस आ जाता है? तो सबसे पहली बात, नॉक से बनने वाली फ्रेजल वर्ब कौन कौन सी होती है, उन सारी फ्रेजल वर्ब्स को आप नोट कर लीजिए। नॉक से शुरू होने वाली फ्रेजल वर्ब्स कितनी सारी होती है? आइए बात की शुरुआत करते हैं नॉक से शुरू होने वाली फ्रेजल वर्ब्स। सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब आपके पास, नौ तरह के फ्रेजल वर्ब होते हैं इसके अंदर आपके पास, और सबसे पहला होता है नॉक डाउन। सबसे पहला वर्ड होता है नॉक डाउन, और नॉक डाउन का मतलब होता है बेटा किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। टू डिस्ट्रॉय या टू डिमोलिश के सेंस में यूज होता है, टू डिस्ट्रॉय या टू डिमोलिश के सेंस में यूज होता है। अगर आप लिख रहे हैं तो एक सेंटेंस भी नोट डाउन कर सकते हैं, और उस सेंटेंस को समझने के बाद आप मेरे पास अपनी तरफ से एक सेंटेंस जनरेट करके भेज सकते हैं। दे हैड टू नॉक डाउन द ओल्ड बिल्डिंग बिफोर दे कुड बिल्ड द न्यू शॉपिंग सेंटर। नए शॉपिंग सेंटर को बनाने से पहले दे हैड टू नॉक डाउन द ओल्ड बिल्डिंग, उनको पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना पड़ा, डिस्ट्रॉय करना पड़ा, नष्ट भ्रष्ट करना पड़ा। अगला जो आपके पास एक फ्रेजल वर्ब आता है वो आता है नॉक बैक। क्या आता है? नॉक बैक। नॉक बैक के अपने आप में दो तरह के अप्रोच है, तो नॉक बैक दो बार लिख लेंगे क्योंकि दो तरह के अप्रोच में इसको मीनिंग में यूज करते हैं। नॉक बैक, नॉक बैक का मतलब होता है टू ड्रिंक अल्कोहल वेरी फास्ट, बहुत तेजी से शराब पीना, इसको बोलते हैं नॉक बैक। टू ड्रिंक अल्कोहल वेरी फास्ट, या इसी के सेंस में एक और सिनोनिम आता है जो नॉक बैक के लिए यूज होता है, टू कोस्ट समवन, कोई किसी चीज को कीमत पड़ना कि उसको उसको क्या कीमत पड़ी। अगर सेंटेंस के तौर पर देखूं तो पहले मीनिंग के तौर पर, जॉन एंड हिज फ्रेंड्स फॉर नॉकिंग बैक शॉट्स ऑफ वोडका ऑल नाइट, या ड्यू टू द एडमिन्स बर्थडे ही इज गोइंग टू नॉक बैक मैनी ऑफ द शॉर्ट्स टू नाइट। और नॉक बैक जब टू कोस्ट समवन के सेंस में यूज होता है तो इसका मतलब होगा दैट वॉच नॉक्ड मी बैक ओवर $500, वो जो घड़ी है वो मुझे $500 की पड़ी थी, $500 की कीमत मुझे लगी थी। इस तरीके से आप इन चीजों को याद करेंगे। अगले फ्रेजल वर्ब के तौर पे आए तो अगला फ्रेजल वर्ब, तीसरा फ्रेजल, देखो ये तीसरा हो गया तो ये चौथा लिख लीजिए। तो चौथा जो यूज होएगा वो नॉक ऑफ के सेंस में यूज होता है। आप में से कितने लोगों ने पहले नॉक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब आपने याद कर रखे थे? कितने लोग हैं जिन्होंने फ्रेजल वर्ब याद कर सकते थे? स्वेप्ट की स्पेलिंग ठीक कीजिए रितिका शर्मा, स्वेप्ट की स्पेलिंग ठीक कीजिए। चलिए नॉक ऑफ, पहले किस किसने नॉक के फ्रेजल वर्ब्स याद कर रखे थे? पेपर में बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल ये। और नॉक ऑफ का मतलब होता है टू फिनिश वर्क, कोई काम को खत्म करना। अब आप में से कई लोगों को चिंता हो रही होगी, टू फिनिश वर्क, काम को खत्म करना। पॉल हैज अ टिपिकल ऑफिस जॉब, ही स्टार्ट्स एट 9 AM एंड नॉक्स ऑफ एट 5 PM एवरी डे। वो 9 AM पे शुरू करता है और 9 PM पे अपने काम को खत्म करता है, मतलब ही नॉक्स ऑफ एट 5 PM एवरी डे।
और ऐसे ही आपके पास एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होता है नॉकआउट, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, नॉकआउट का। और नॉकआउट का मतलब होता है टू हिट समवन एंड मेक दम लूज कॉन्शियसनेस, किसी पर्सन को एकदम से टक्कर मारना जिससे वो अपनी कॉन्शियसनेस को लूज कर दे। द बॉक्सर गॉट नॉक्ड आउट इन द फर्स्ट राउंड, बॉक्सर को बिल्कुल किक लगा, हिट लगा और एकदम से बेसुध गिर गया। तो नॉक समबडी आउट का मतलब होता है टू हिट समवन हार्ड, टू हिट समवन एंड मेक देम लूज कॉन्शियसनेस। रितिका शर्मा आप कह रहे स्वेप्ट अवे फ्रॉम रोड या स्वेप्ट अवे रोड में से क्या आएगा सर? तो यहां पे आपके पास स्वेप्ट अवे फ्रॉम रोड, देखो टोरेंशियल रेन्स एंड विंड्स ऑफ अप टू 170 किलोमीटर पर आवर स्वेप्ट अवे रोड्स होम्स एंड ब्रिजेस। वो खुद से साफ नहीं हुए, उसने स्वैप कर दिए, रोड को साफ कर दिया, बहुत सारे होम्स को साफ कर दिया, ब्रिजेस को साफ कर दिया और पावर एंड कम्युनिकेशन लाइंस को नॉकआउट कर दिया, हिट कर दिया, ताकि उनकी अपनी जो एनर्जी लेवल है वो खत्म हो गई। ऋतिका आई बात समझ में? तो यहां पे फ्रॉम नहीं आएगा। ओके बिल्कुल सही है जो लिखा हुआ है, तो एरर आपके पास नॉकिंग डाउन वाले पार्ट में था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एस्टिमेटेड 70% ऑफ दिस प्लास्टिक विच एंटर्स द सी सिंक्स। चलिए ये PQRS का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। तेजवीर मेरे साथ जुड़ गए हैं, हेलो तेजवीर, हाउ आर यू, कैसे हो? CADB, CADB, CADB। हो जाएगी भाई, हो जाएगी तेजवीर जी, वैलिडिटी भी इंक्रीज कर देंगे। चलिए बड़े अजीब अजीब अलग अलग आंसर आ रहे हैं, किसी का ए, किसी का डी। मैं भी हूं अजय, हाय सर, आओ आओ जी, आओ जी, कैसे हो अजय जी? देखो दिस इज ए प्रॉब्लम, अब कौन सी प्रॉब्लम है, दिस इज ए प्रॉब्लम तो हमें पता ही नहीं है, तो बी वाला सेंटेंस शुरू नहीं होगा। अब ये खुद ही कह रहा है या तो सेंटेंस सी से शुरू होगा या ए से, तो सी और ए को ही पढ़ लो पहले। सी कह रहा है 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एंड्स अप इन द वर्ल्ड्स ओशियन एवरी ईयर कॉजिंग डैमेज टू द फ्रेजाइल इकोसिस्टम। फ्रेजाइल का मतलब होता है सेंसिटिव। एन एस्टिमेटेड 70% ऑफ दिस प्लास्टिक विच एंटर्स द सी सिंक्स। विच एंटर्स दिस प्लास्टिक, कौन सा प्लास्टिक है हमें नहीं पता, तो पहले दिस का वर्णन किसमें आया, सी को लो, तो सी से सेंटेंस की शुरुआत होगी। अब सी अपने आगे किसको बढ़ाएगा देखते हैं, इसका मतलब ये बी और ये डी आंसर तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं होंगे। तो यहां पर कैपिटल सी जो सेंटेंस है वहां से बात शुरू होगी। अब सी ए को आगे बढ़ाएगा या डी को आगे बढ़ाएगा, तो देखो
8 million टन्स ऑफ प्लास्टिक एंड्स अप इन द वर्ल्ड्स ओशन एवरी ईयर कॉजिंग डैमेज टू द फ्रेजाइल इकोसिस्टम एंड एस्टिमेटेड 70% ऑफ दिस प्लास्टिक विच एंटर द सी सिंक्स एंड मच ऑफ इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी पहले ए आएगा उसके बाद डी आएगा और दिस इज अ प्रॉब्लम दैट स्ट्रेचेस फार बियॉन्ड इंडिया। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इंडिया से बाहर सारे वर्ल्ड वाइड फैल गई है। सी ए डी भी आएगा एंड ऑप्शन नंबर स्मॉल ए इज द राइट आंसर। रेतिका यहां पर आपका आंसर डी आ रहा था, ए से सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हो। यहां पर ये दिस प्लास्टिक कौन सा प्लास्टिक जिसकी यहां पर बात की गई है, तो पहले इंट्रोड्यूस कीजिए सी को फिर ए पर लेकर आइए, तब यहां पर बात बनने वाली है। ना ना आज नहीं शिवम, आज नहीं, ठीक है। टाइम टेबल वाली बात बच्चे पूछ रहे हैं कि सर तैयारी करने के लिए टाइम टेबल वाली बात आपने पेंडिंग छोड़ दी थी, वो कब से शुरू करना है, तो उसके बारे में कल 1 तारीख है, कल 1 तारीख से आपका टाइम टेबल बनवा दूंगा मैं और उसी के अंदर आपने पढ़ना है। कल एक चैप्टर शुरू करेंगे, एक्सरसाइज के साथ शुरू करेंगे और जाते जाते आपके साथ एक क्विज करवाना चाह रहा हूं। तो कितने लोग उस वोकैब की क्विज के लिए तैयार है? बजर राउंड है, उसमें आपने ए बी सी डी ई, उसके अंदर 5 ऑप्शन होंगे आपके पास, ए बी सी डी ई आपने देखना। आपके लिए एक बढ़िया सी एक्सरसाइज, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज। इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो 5 वर्ड्स आर गिवन इन विच 4 ऑफ देम हैव अ सिमिलर मीनिंग। 5 वर्ड दिए गए हैं, 5 में से 4 के सिमिलर मीनिंग है और एक वर्ड ऐसा है जो उनका एंटोनिम है। एंड 1 वर्ड इज द एंटोनिम फॉर द अदर 4 वर्ड्स। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अदर 4 एज योर आंसर। कितने लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हैं? आखिरी के 5 मिनट आपके साथ हैं। चलिए इस क्वेश्चन लास्ट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यहां पर आपने मुझे बताना है कि कौन से वर्ड, कौन से 5 में से 4 वर्ड आपस में सिनोनिम है और एक उसका एंटोनिम है। बहुत ही हार्ड और बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन, कई बार बच्चों से डिक्शनरी देखने के बाद भी नहीं होता है ये क्वेश्चन। मोहम्मद मोहसिन ने आंसर दे दिया है और बिल्कुल सही आंसर है। नैन्सी गुप्ता ने भी बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। निशांत ने भी, निशांत का आंसर गलत जा रहा है भैया। सूरज का आंसर बिल्कुल ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर करें फटाफट, कमेंट नहीं रुकना चाहिए, फटाफट आंसर करें। सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा हुआ है आपके पास एडमायर, एडमायर का मतलब प्रशंसा करना, अपलोड का मतलब प्रशंसा करना, चेरिश का मतलब
अभिनंदन करना, प्यार करना, स्वागत करना, हेल का मतलब भी स्वागत करना, इसका मतलब आप स्वागत नहीं करोगे क्या? ये चारों शब्द आपस में एक दूसरे के पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर एक वर्ड आता है सेंसर, जो कि बात करता है किसी पर्सन को डांटना, धमकाना या फटकारने के सेंस में, स्कोल्ड या स्कॉफ का सेंस देने की कोशिश करता है। इसी को कास्टिगेट के सेंस में भी यूज करते हैं, इसी को रिप्रीमैंड के सेंस में भी यूज करते हैं, और इसी वर्ड को डांटने फटकारने के लिए, अपब्रेड के लिए भी यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सारे के सारे जो यहां पर लिखे गए हैं, नोट कर लेंगे। और यहां पर ऑप्शन नंबर ई वॉज द राइट आंसर, विच इज सेंसर। सेंसर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, किसी पर्सन को बात करने से रोकना, या किसी पर्सन को धमकाना, डांटना, या किसी पर्सन को फल्मिनेट करना, या किसी पर्सन को क्रिटिसाइज करने के लिए भी इसका मीनिंग यूज होता है। जो अखबार जो सत्ता पक्ष या विपक्ष के एक्शंस के बारे में कुछ लिखते हैं, उसके लिए बात करते हैं। सर, हेल का मतलब क्या होता है? हेल का पहला मतलब वर्ब के तौर पे वेलकम होता है, और जब आप किसी का प्रेज करते हुए, स्वागत है, अभिनंदन है करते हैं, तब आप हेल का यूज करते हैं, और वो भी इसका एक मीनिंग के तौर पर ही जाना जाता है। रीतिका शर्मा, तो यहां पर इसका आंसर आना है सेंसर। ये चारों शब्द अपने आप में सेम मीनिंग रखते हैं, आखिरी वर्ड अपोजिट मीनिंग रखता है। अगला वर्ड देखिए, कॉन्सोलिडेट, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट, री इन्फोर्स, वीकन या स्टेबलाइज। यहां पर पांच वर्ड आपके पास दिए गए, पांच में से चार वर्ड आपस में सिनोनिम है और एक वर्ड एंटोनिम है। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका क्या आ रहा है? ए बी सी डी ई, फटाफट आंसर दीजिए। अनअकैडमी तो यहां पर आंसर इसका बन गया बच्चा वीकन, क्योंकि कंसोलिडेट इकट्ठा करना, कंसंट्रेट ध्यान को इकट्ठा करना, रेनफोर्स या स्टेबलाइज, सारे चारों सिनोनिम है, और वीकन यहां कमजोर करने के ऊपर सैप या डेबिलिटेट का सिनोनिम बनता है। तो इसको आप याद रख लेंगे, डेबिलिटेट या सैप के लिए यूज होता है, या एग्जॉस्ट के लिए यूज होता है। अगला वर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इनिशिएट, कमेंस, इंडक्ट, सीज और लॉन्च। यहां पर चार वर्ड सिनोनिम है और एक वर्ड एंटोनिम है, कौन सा राइट आंसर आएगा और कौन सा नहीं, फटाफट आंसर बताइए। तो यहीं पर हमने अपने बैच की शुरुआत कर दी है। वी हैव इनिशिएटेड आर बैच, वी हैव कमेंसिंग आर प्रिपरेशन, वी हैव इंडक्टेड द डेमो सेशन, एंड वी हैव लॉन्च्ड द सक्सेस पाथ फॉर द स्टूडेंट्स एंड द अपकमिंग एस्पिरेंट्स फॉर द सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल एग्जामिनेशन। तो यहां पर आपके पास इन
चारों का मतलब होता है शुरू करना, लेकिन इस सीज का मतलब होता है स्टॉप होना या इसको खत्म करने के लिए, टर्मिनेट के सेंस में भी यूज किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी? कल से हम एक ग्रामर के चैप्टर को और वोकैब के सेक्शन को अलग अलग करके पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कैसी लगी आज की क्लास, एक बार जरूर मुझे इत्तला कीजिएगा। और अच्छी अच्छी चीजों को किस तरीके से पढ़ा जाता है, अपडेटेड चीजों को कैसे रखा जाता है, इस पूरे के पूरे बैच के अंदर आपको एक अलग डिफरेंस महसूस होगा, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशन में सारी बातें हूबहू काम आएगी, मैं गारंटी दे सकता हूं। 193-194 प्लस लाने वाले मेंस के स्टूडेंट के जब रिप्लाई आते हैं कि सर सारा वही आ रहा है जो आपके व्हाइट बोर्ड प्रोग्राम से चीजें रिलेट करती हैं, तो हमें उस तरह की खुशी होती है। और गारंटी से उन चीजों को आपके सामने रख सकते हैं कि वही पढ़ाया जाएगा जो पेपर में आएगा और जो आपके समझ भी आएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।